नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, आज नवरात्र का आखिरी दिन है, नवा दिन है जिस दिन कन्या खिलाते हैं। तो कुछ आवाज़ अगर आ रही होगी बैक में तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ सीड ग्रो करूँगी वेजिटेबल के। तो कौन से वेजिटेबल है मैं आप लोगों को अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इस समय बहुत अच्छा मौसम है फूलों के और सब्जियों के सीड को ग्रो करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा मेरे साइड जो बैकयार्ड है, मकान का जो साइड बैकयार्ड है, तो उसमें कच्ची ज़मीन है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियाँ वहाँ ग्रो कर लूँगी। तो जैसे पालक वालक हो गया, सोया मेथी वगैरह हो गया। तो अगर आपके पास नहीं जगह है तो आप अपने गमले में, मतलब कोई गमला खाली हो तो उसमें भी उगा सकते हैं। स्प्रिंकल कर दीजिए और मिट्टी में उसे, मतलब मिट्टी उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन क्या है कि मुझे जो है ज़मीन में लगाना है। तो अब पालक या सोया मेथी या उसका तो मैं ज़मीन में ही लगाऊंगी सीड। लेकिन जैसे कुछ सीड है, चलिए मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, मैं तैयारी करके मैंने रखा हुआ है ताकि देर ना हो और वीडियो लंबी ना हो। तो और ये पानी का जो स्प्रेयर है वो भी रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो है टमाटर का सीड है। तो टमाटर और ये जो है मिर्च का सीड है, एक मिर्च भी मैंने रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो है मैं इसको गमले में ग्रो करूँगी और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। और फिर जब मुझे प्लांट की ज़रूरत होगी या सीड तैयार, ये सॉरी सैपलिंग जब इसमें तैयार हो जाएगी तो मैं उसको इसमें से निकाल के जो है ज़मीन में ग्रो कर दूँगी। तो इससे गमले भी खाली हो जाएंगे और मैं कोई नया प्लांट भी लगा लूँगी। और सीड जो ग्रो करने का एक मतलब जगह है वो मुझे ईजिली मिल जाएगा। तो मैंने छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर एक क्या दो चार, मतलब जो है वो मिर्च का जो प्लांट है 3 साल पहले लगाया था, वो अभी भी उस पर बना हुआ है। और उस पर अक्सर मिर्ची जो है लगा करती है, चाहे वो रेड हो जाए या फिर ग्रीन में ही हो। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है और मैं जाती हूँ वहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ ज़रूरत के हिसाब से, और नहीं हार्वेस्ट कर पाती हूँ तो वो रेड हो जाती हैं। तो मिर्च का प्लांट ऐसा है कि आप चाहे तो उसे, मतलब जब तक फ्रूट आए उसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्रूट आना बंद हो जाए तो उसको प्रून करके मौसम के हिसाब से उसमें खाद वगैरह डाल दीजिए, वो फिर से नए उसमें लीफ वगैरह आएंगे और फूल बनने लग जाएंगे और उसमें फ्रूट लगने लग जाएंगे। तो मिर्ची का प्लांट तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, टमाटर के प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा गिरा है तो ये देखिए, ज़्यादा नहीं गया, थोड़ा गया। तो टमाटर के प्लांट के साथ ऐसा है नहीं होता है। टमाटर का प्लांट हमको हर साल ग्रो करना पड़ता है, या जैसे सर्दियों के अलग और गर्मियों के अलग अलग ग्रो करने पड़ते हैं। तो कैसे ग्रो करना है मैं दिखाऊंगी। और चिली जो है, ये मिर्च जो है, इसको मतलब सॉरी टमाटर जो है, इसका जो प्लांट है मैंने कुछ ग्रो किया हुआ है, इसके सीड ग्रो किए हुए हैं। तो मैं इसका अपडेट भी तुरंत के तुरंत दिखा दूंगी। तो इसको क्या है कि इसको मैं इसमें, इस वाले जो पॉट है इसमें ही ग्रो करूंगी। तो इसमें जो क्या है, टमाटर के पल्प निकाल लीजिए और उसको हाथ से मैश कर दीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये लिक्विड जैसा हो जाएगा। तो मैं इसमें पानी नहीं देखूंगी, तो पानी डालती हूँ कि नहीं डालती हूँ लगवा था। तो इस तरीके से इसको जो है मैं कर दूँगी, ये देखिए। और ऐसे भी छोड़ देंगे ना तो ये ऐसे भी उगाएगा, और टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ा काट के ऐसे भी डाल देंगे सीड के साथ ही, तो भी ये उगाएगा। ये किसी भी मतलब सूरत में इसको ऐसे अगर डाल देते हैं तो ये उगाएगा। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ इस तरीके से, ताकि ये मिट्टी इसके ऊपर थोड़ा चढ़ जाए तो ये ईजिली ग्रो हो जाएगा, ये देखिए। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और ऐसे ही ये है चिली का जो सीड है, इसको भी हम ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, ये देखिए थोड़ा इसमें लगा हुआ है, इसको ऐसे डाल देंगे, ये देखिए ये ऐसे डाल दिया। और इसको भी मिट्टी में ऐसे, तो ऐसे ही आप सोया मेथी पालक बथुआ उन सब का भी सीड जो है ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए। ये इस तरीके से इसके ऊपर इस तरह, ताकि मिट्टी आ जाए तो ये इजीली जो है ग्रो कर देते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा नमी तो है,
अगर मैं नहीं भी पानी डालूंगी तो भी ये उग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि पानी इनमें डाल ही दूँ। ये देखिए, ये चाहे तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इससे भी स्प्रेयर से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप डाल दीजिए और ऐसे ही इसमें डाल दूंगी मैं टोमेटो सीड में। एक बार अच्छे से पानी डाल देंगे फिर ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर नमी है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। ये देखिए हो गया, ये हो गया, ये जो है दो सीड मैंने आज ही ग्रो कर दिए और आप लोगों से शेयर भी कर दिया। तो ये मौसम बहुत अच्छा है, चाहे फ्लावरिंग के लिए मतलब फूलों वाले सीड के लिए या फिर वेजिटेबल सीड के लिए, और चाहे कोई फ्रूट का सीड लगाना हो जैसे नींबू वगैरह का सीड वगैरह लगाना हो तो इस समय इजीली लग जाता है। ये देखिए लग के मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टमाटर का सीड मैंने कुछ ग्रो किया है तो वो कितने बड़े हो गए उसको भी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये टमाटर के सीड, ये जो प्लांट था मेरा एक ख़राब हो गया था तो उसको मैंने एक स्प्राउट जैसा हो रखा था तो इसको मैंने इसमें लगा दिया था, तो इसमें भी देखिए चीज चल पड़ा है। तो इसी में मैंने क्या किया कि सुबह में जब सब्जी में मैं डाल रही थी टमाटर तो थोड़ा सीड मुझे मिला तो मैंने कहा लाओ इसमें डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मैं रेंडम ही डाल के ऐसे चली गई, पानी वानी कुछ नहीं डाला था इसमें। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें इसकी पौध छोटी छोटी सी निकल आई है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो मैं इसको ज़मीन में ग्रो कर दूंगी और इससे भी बड़ा सीड वो मतलब प्लांट जो है सैपलिंग जो भी लगाने लायक हो गई है अब मैं कल उसको ज़मीन में लगा दूंगी। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो टमाटर का ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, इसको भी मैं ऐसे ही डाल के चली गई थी तो ये अभी लगाने लायक हो गया है ज़मीन में। ये देखिए अब अगर नहीं लगाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो इस बेचारे को थोड़ा पानी नहीं मिला हुआ है, थोड़ा पानी डाल दें इसमें ये हल्का हल्का। ये अब मैं इसको कल लगा दूंगी मैं ज़मीन में, नहीं तो फिर ऐसे ख़राब हो जाएगा फिर ये। और कुछ तो सूख भी नहीं भी लगा है, लगाए बगैर जो है ये देखिए कुछ सूखने भी लगा है ये। तो ये इसको देखिए इतना बड़ा ये लगाने को तैयार है। फिर उसके बाद टमाटर का सीड ये देखिए इतना बड़ा है ये, जो कि अभी मतलब लगाने के लिए नहीं, 2-4-6 दिन में जो है ये लगाने लायक हो जाएगा। और बाकी ये सीड मैंने ग्रो किया है। तो ये आप लोग के पास टमाटर का अपडेट हो गया है ये देखिए। और मिर्च का जैसे प्लांट अगर ग्रो होता है नहीं ग्रो होता है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये मिर्च का हो गया ये। तो ऐसे ही आप मतलब इस समय जो सीजनल सब्जियाँ हैं आप लगा सकते हैं, चाहे पौधे भी ला के लगा सकते हैं आप मार्केट से, छोटी छोटी पौधे इस समय मिलना चालू हो गई हैं, बैंगन हो गया, टमाटर, मिर्च, तो इन सब का पौध भी आप ला के लगा सकते हैं। और जैसे पालक हो गया, सोया मेथी हो गया, है ना, और ये और भी चीज़ों का पौध हो गया, प्याज व्याज का पौध हो गया, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।